दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान की सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में। यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी कि पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वो हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में। यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वो हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में। यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट
फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है।
फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं, फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वो हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं, फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वो हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं, फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वो हैं शाहरुख खान
और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें
चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, कि यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, कि यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी
कि पूरी जो फैक्ट और रिव्यू जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, कि यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, कि यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना
नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ।
आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में कि यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वो हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में कि यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वो हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में कि यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वो हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के
कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान की सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान की सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान।
दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी कि पूरी जो फैक्ट और रिव्यू जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी।
इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उसाल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उसाल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उसाल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है
जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं, फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वो हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं, फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, कि यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वो हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं, फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, कि यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वो हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में। यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में। यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है।
ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है,
शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वो हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, कि यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, कि यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू, जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है।
करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के सारी फिल्में आपको इस चैनल पर देखने को अपडेट मिलती रहेगी फैक्ट और रिव्यू के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रावण मूवी के बारे में, यह मूवी कैसी है, कैसे यह मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, शाहरुख खान के किरदारों के बारे में और रावण मूवी की पूरी जो फैक्ट और रिव्यू जो अनसुलझी कहानियां हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे लीड रोल में हैं वह हैं शाहरुख खान और करीना कपूर। इस फिल्म में आपको कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म रिफ्यूजी के साथ हुई थी। इसमें अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म मेकर बेस्ट फिल्म डेब्यू यानी कि उस साल जीवन में सर्वश्रेष्ठ कई अच्छे कलाकारों में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको दिखाया गया है कि करीना का जन्म भारत के महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई में बसे पंजाबी मूल के कपूर फिल्म परिवार में हुआ है। करीना फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री बबीता, जिनकी शादी से पहले नाम शिवदासनी था, की छोटी बेटी है। करीना के अनुसार उनका प्रथम नाम एना केरेना नामक पुस्तक से लिया गया था। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती और पृथ्वीराज कपूर की पोती है। ऐसे में आपको बता दूं कि रावण फिल्म में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी गई और निर्देशित डायरेक्ट की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आते हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन में सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर और अरमान